इसपे कौन कौन से कोर्स लग रहे हैं वो बताने, ये लगा रहा है M2 के ऊपर वो नहीं बताने। देखो जीत कौन रहा है, ये कोर्स दो कोर्स है यहाँ पे, कैपिटल F और स्मॉल F, जीता कौन पता कैसे चलेगा। पुट दिस एक्सेलरेशन इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हमें क्या करना है, इसका शॉर्टकट जानना है, मैं हूँ आपको शॉर्टकट बताऊंगा। यार इतना सब करना ही क्यों है, शॉर्टकट लगाते हैं, कैसे लगाएंगे एग्जाम के लिए। बड़ा वाला फोर्स है अप्लाइड फोर्स, वो उधर धक्का दे रहा है तभी तो एक्सेलरेट उधर। सर टोटल मास दैट इज m1 + m2 एंड द एक्सेलरेशन इज स्मॉल a, सो फोर्स कितना आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी m1 + m2 * v। बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं इसलिए ताकि हमारे पास चीजें आसान हो जाए, जितनी चीजें आसान हमें ये उसको सॉल्व करना उतना आसान। एंटायर सिस्टम का मास कितना हुआ, m1 + m2 + m3, तो फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, सो इट इज कैपिटल F इज इक्वल टू m1 + m2 + m3 * v, ये रहा दैट इज कैपिटल F ओवर m1 + m2 + m3, दैट इज द मास ऑफ द दिस एंटायर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल Clarity in Physics. So guys, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ अ ब्लॉक इन कॉन्टेक्स्ट। तो गाइज हमारे पास यहाँ पे चार केस होंगे, तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केस नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो केस नंबर 1 में बच्चों हमारे पास क्या है, सो देखो यार, सपोज करो ये वाला मास m1 है और ये m2 है, यहाँ पर m2 मास बड़ा है, m2 मास छोटा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, अगर इस तरफ फोर्स लगेगा तो ये इस तरफ एक्सेलरेट भी तो करेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सेलरेट करेगा इस साइड, और यहाँ पर बच्चों गाइस यहाँ पर इन दोनों के बीच दोनों ब्लॉक्स कैसे हैं, आपस में कॉन्टेक्ट में हैं, इसका मतलब इन दोनों के ऊपर एक कॉन्टेक्ट फोर्स भी लगेगा जिसको हम F बोल रहे हैं, जिसको हम F बोल रहे हैं। यानी कि m1 ब्लॉक m2 पे F कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा और m2 ब्लॉक m1 पे F कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा, समझ आ गई बात, इतना सीन है यहाँ पे। और अगर ये फोर्स इस तरफ लग रहा है तो ये बॉडी भी इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी, यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स स्मॉल F क्या होगा, ये सब हमें बताना है। और कैपिटल F जो कि अप्लाइड फोर्स है ये कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दो बातें। बात नंबर 1 कि यहाँ पर जो कैपिटल F है ये है हमारे पास अप्लाइड फोर्स, ये है हमारे पास अप्लाइड फोर्स, और यहां पर हमारे पास जो स्मॉल F है ये है गाइस कॉन्टेक्ट फोर्स, ये हमारे पास कॉन्टेक्ट फोर्स, समझ आ गई बात, तो इतनी सी बात है, ये है हमारे पास कॉन्टेक्ट फोर्स स्मॉल F, ठीक है। अब हमें निकालना है कि एक अप्लाइड फोर्स कितना होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स कितना होगा, और ये एक्सेलरेशन, ये सब हमें निकालनी है। मेजरली चीज हमें ये दोनों निकालनी है कि F1 कितना है, F कितना है और स्मॉल F कितना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं, देखो कैसे करें, सबसे पहला काम है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक M1 वाला, इसको बोल देते हैं ये ब्लॉक A है, दिस इज ब्लॉक A एंड दिस इज ब्लॉक B, this is block A and this is block B. So, अगर यहाँ पर block A की बात करें तो इसका free body diagram देखो कैसे बनेगा, इसका free body diagram बनाने के लिए हम क्या करें कि ये हमने बना लिया इसका free body diagram, ये diagram बन गया। अब इस पे देखो free body diagram का मतलब कि एक बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ए का बना रहे हैं तो ए पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो हमें बताने। तो सर इस तरफ तो एक कैपिटल F अप्लाइड फोर्स लग रहा है और M2 ब्लॉक इसके ऊपर लगा रहा है स्मॉल F,
ये इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो बताने, ये लगा रहा है M2 के ऊपर, वो नहीं बताना इस ब्लॉक के ऊपर कितने लग रहे हैं उसको हम FVD बोलेंगे। सो यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक कैपिटल F जो कि अप्लाइड फोर्स है और एक स्मॉल F जो कि हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये ब्लॉक है हमारे पास M1 और ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहां से हम बच्चों इक्वेशन क्या क्या लिख सकते हैं, देखो जीत कौन रहा है, ये फोर्स, दो फोर्स है यहाँ पे कैपिटल F और स्मॉल F, जीता कौन पता कैसे चलेगा, जिसकी तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, एफ ने इधर धक्का दिया है आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि ये वाला हार रहा है, स्मॉल एफ हार रहा है और ये कैपिटल एफ जीत रहा है। तो ये बड़ा फोर्स है और ये छोटा फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वेशन बनाने का तरीका क्या, हार रहा है जीत रहा है माइनस हार रहा है, यानी कि फोर्स और मास इंटू एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एम ए, एम वन मास है और एक्सेलरेशन ए है, दोनों ब्लॉक की एक ही एक्सेलरेशन है ए, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर वन। सेम हम करते हैं सेकंड ब्लॉक के लिए, तो यहां पे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी के लिए बनाते हैं तो हमारे पास यहां से जहां से हमारे पास ये रहा ब्लॉक बी, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको बड़ा शो कर देते हैं, और यहां पर हमारे पास ये है ब्लॉक M2 और इस पे इकलौता फोर्स लग रहा है स्मॉल F जो कि M1 मास लगा रहा है और ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहाँ पर ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो इकलौता फोर्स है तो जीता कौन, कोई नहीं, ये इकलौता है तो सिर्फ एफ और एम टू ए, जीतेगा हारेगा कौन, जब दो लोग होंगे या दो से ज्यादा होंगे, यहाँ तो दो थे एक कैपिटल एफ एक स्मॉल एफ, यहाँ तो ये इकलौता है यानी कि ये अकेला है तो एफ इक्वल टू एम टू ए, समझ आ गई बात। दो इक्वेशन बनी, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले क्या करो, पुट इक्वेशन नंबर टू सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो इन इक्वेशन नंबर वन, तो आपको यहां से क्या मिलेगा, स्मॉल एफ को इसमें डाल रहे हैं तो हमें मिलेगा कैपिटल एफ माइनस एम टू ए, यानी कि एम टू ए इज इक्वल्स टू एम वन ए। सो यहां से अगर हम देखें तो कैपिटल एफ हमारे पास आता है एम वन ए प्लस एम टू ए, ए को अगर हम कॉमन ले लें तो यहां से हमारे पास एम वन प्लस एम टू ए, और हम बोले कि एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आई, अप्लाइड फोर्स ओवर टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड वी, और यू कैन से दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम व्हिच इज शोन हियर। नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्सेस, कॉन्टेक्ट फोर्स एफ, सो जस्ट put this acceleration, just put this acceleration in this equation and you will get the contact force. So contact force small f is equals to minus a, equal to m2a, or just write the value of a, you have the value of a is f over m1 plus m2. So from here, this is the contact force, you will get the value of contact force. Okay, let me write it here. This is the contact force. Fine. So there are two things, one is acceleration and other is contact force. So दोनों चीज हमें यहाँ पर मिल गई है, अब हमें क्या करना है, इसका शॉर्टकट जानना है, मैं हूं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, क्या इतना सब करना ही क्यों है, शॉर्टकट लगाते हैं कैसे लगाएंगे एग्जाम के लिए। देखो बच्चों गाइस, शॉर्टकट का क्या तरीका है, देखो शॉर्टकट
शॉर्टकट कैसे लगाएंगे हम? शॉर्टकट लगाने का तरीका, शॉर्टकट लगाने का तरीका हमारे पास रहेगा, देखो फोर्स क्या है इसके ऊपर, कैपिटल एफ, मास, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास क्या है, पूरा सिस्टम है, यानी कि दोनों का मास एम वन प्लस एम टू। एक्सेलरेशन क्या है, दोनों मास की, दोनों ब्लॉक की सेम एक्सेलरेशन है बिकॉज दे आर कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब ये कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ गई, अप्लाइड फोर्स ओवर एम वन प्लस एम टू। यही चीज तो हमें यहाँ पे डिराइव करी है। सो शॉर्टकट क्या है, समझ आ गया आपको? लेकिन अब बात करते हैं हम कॉन्टेक्ट फोर्स की, हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स की। तो कॉन्टेक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे हम, जिस फोर्स पे, और एक चीज और बता दूं मैं कि ये जब दो ब्लॉक्स होंगे हमारे पास, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, दो ब्लॉक होंगे तब ही लगेगी ये वाली ट्रिक जो हम कॉन्टेक्ट फोर्स निकालने जा रहे हैं। अगर कितने ही ब्लॉक हों, कितने ही ब्लॉक हों, ये वाली ट्रिक जो कि है फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम एन, ये आप कितने भी ब्लॉक के लगा सकते हैं। लेकिन जो ये सेकेंड ट्रिक है कॉन्टेक्ट फोर्स निकालने की, ये सिर्फ आप तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास दो ब्लॉक्स होंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो फोर्स किस पे लग रहा है, अप्लाई का फोर्स लग रहा है ब्लॉक एम वन पे, बस वही नहीं लिखना, जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, जिस ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स लग रहा है वो नहीं लिखना, दूसरा वाला फोर्स लिखना है। तो जो अप्लाइड फोर्स होगा, जो ये होगा कॉन्टेक्ट फोर्स, ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कौन सा होगा, मास होगा वो वाला जिस पे अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा, यानी एम टू, और ये एक्सेलरेशन। क्या बोला मैंने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स कौन सा, अप्लाइड फोर्स, मास कौन सा, मास सर वो वाला जो अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा होगा जिस ब्लॉक पे, दूसरा वाला मास। तो M2 पे अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा, अप्लाइड फोर्स M1 पर लग रहा है। तो यहाँ पे मास कौन सा आएगा, M2, यानी कि F is equals to M2, और A की वैल्यू आपने यही निकाली है जो कि है अप्लाइड फोर्स ओवर टोटल मास ऑफ द सिस्टम, एंड दैट इज इक्वल टू द दिस कॉन्टेक्ट फोर्स सेम, एंड इट शुड बी सेम। Fine. This is the, yes, that's it for this case one. Let's look. Now we are going to solve case two. The case two is this is mass M1, this is mass M2. This is mass M1, this is mass M1, this is mass M2, and इस पर इधर से force लग रहा है, applied force, M2 block पे लग रहा है, यहाँ पर M2 greater than है M1 से, accelerate body इस बार opposite direction में होगी पिछले वाले case से, ये block A है, ये वाला block A है, ये block B है, और यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्ट फोर्स है F, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो है हमारे पास M2 इधर लगाएगा और M1 अपोजिट लगाएगा कॉन्टेक्ट फोर्स, और ये रहा हमारे पास केस टू। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 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 ब्लॉक, ब्लॉक ए के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सर ये हमारे पास आता है M1, दिस इज मास M1, सो ओके वाइट कलर लुक्स गुड, सो दिस इज मास M1, there is only one force is applying on this, जो कि M2 लगा रहा है और ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहां से हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, सर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर
कॉन्टेक्ट फोर्स है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन. सिमिलरली फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक डी, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, और ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास बनेगा जी दिस इज एम टू, सो लेट मी राइट दिस इज ब्लॉक एम टू, दिस इज एक्सेलरेशन ए, दिस इज कॉन्टेक्ट फोर्स ड्यू टू बॉडी एम वन ड्यू टू ब्लॉक एम वन मोर ओवर एंड दिस इज अप्लाइड फोर्स है. सो यहां पर जीत कौन रहा है, देखो बड़ा वाला फोर्स है अप्लाइड फोर्स, वो उधर धक्का दे रहा है तभी तो एक्सेलरेट उधर हो रहा है, इसका मतलब जीता कौन, बड़ा वाला फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स. सो एफ इज इक्वल्स टू, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सर यहां से लिख सकते हैं एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू एम टू इंटू एक्सेलरेशन. ओके ना, ओके इसको ग्रीन कलर में. So, क्या लिखा हमने, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल्स टू कौन सा ब्लॉक है सर, एम वन एम टू ए. नाउ आगे का क्या प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन वन इक्वेशन टू में पुट करनी है जस्ट. सो पुटिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू एंड वी विल गेट कैपिटल एफ माइनस दिस इज एम वन ए इक्वल टू एम टू ए, इट शुड बी एम टू ए. सो एफ इज इक्वल्स टू एम टू ए प्लस एम वन ए. यहाँ पे फोर्स क्या आएगा बच्चों, देखो ब्लॉक क्या है, सिस्टम का मास कितना है सर, टोटल मास दैट इज एम वन प्लस एम टू एंड एक्सेलरेशन इज स्मॉल ए. सो फोर्स कितना आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी एम वन प्लस एम टू इंटू ए, देखते हैं यही. So, यहां से फोर्स आया हमारे पास एम वन प्लस एम टू इंटू ए, जिसको हम लिख देंगे एम वन प्लस एम टू इक्वल टू ए. सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द एक्सेलरेशन सॉरी इन केस ऑफ फॉर दिस केस, डन है. फोर्स हमारे पास कितना आया सर, ये फोर्स आया एक्सेलरेशन सॉरी, सो ये एक्सेलरेशन आई, ये आई सर कैपिटल एफ ओवर एम वन प्लस एम टू, जो कि आनी भी चाहिए थी इस सिस्टम के लिए. नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, पुट दिस एक्सेलरेशन, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर टू, ताकि हमें क्या मिले, एक्सेलरेशन मिल सके, और इन इक्वेशन वन ताकि हमें एक्सेलरेशन मिल सके. सो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, जब ताकि हमें कॉन्टेक्ट फोर्स मिल सके. सो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम वन इंटू ए एंड द वैल्यू ऑफ ए इज, द वैल्यू ऑफ ए इज स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू एम वन एंड द वैल्यू ऑफ ए इज एफ ओवर एम वन प्लस टू. सो यहां से हमने क्या सीखा, एक बार शॉर्टकट भी देख लेते हैं, शॉर्टकट कैसे करना है. शॉर्टकट करने का तरीका है कि शॉर्टकट कैसे होगा जी, शॉर्टकट सर ऐसे होगा, शॉर्टकट चीज नंबर एक, सबसे पहली चीज कि फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सिस्टम का पूरा मास, सिस्टम पे एक अप्लाइड फोर्स एफ लग रहा है, मास और पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन ए है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो मास फोर्स ओवर एम वन प्लस एम टू आ जाएगी. दूसरी ट्रिक ये थी कि अगर दो ब्लॉक्स होंगे हमारे पास तो उस समय जो हमारे पास कॉन्टेक्ट फोर्स होगा स्मॉल एफ, वो वाला ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन तो दोनों ब्लॉक की सेम है, तो ए ब्लॉक कौन सा होगा जिसपे अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा है, अप्लाइड फोर्स एम वन पे नहीं लग रहा, तो जस्ट राइट एम वन हियर एंड एफ इज इक्वल्स टू एम वन एंड दिस इज कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स ओवर टोटल मास ऑफ द सिस्टम.
सो यहां से हमारे पास कॉन्टेक्ट फोर्स था वो ये आ गया जी. ओके सो दिस इज द सेकंड केस. नाउ नाउ केस नंबर थ्री. नेक्स्ट केस है हमारे पास. चलो नेक्स्ट केस समझते हैं. दिस इज केस नंबर टू. केस नंबर थ्री है हमारे पास. यहां पे हमारे पास तीन ब्लॉक होंगे. इस साइड से हमें हमारे पास अप्लाइड फोर्स लगेगा विच इज कैपिटल एफ. दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक सी. द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज एम वन, दिस ब्लॉक इज एम टू एंड दिस ब्लॉक इज एम थ्री. द सिस्टम विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन एंड द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन एम वन एम and m2 is, let us suppose this is small f1 and this is small f2. This is small f2. What is happening here? This is small f2. तो यहां से सबसे पहले काम क्या है हमारा? हमारा सर पहला काम है free body diagram बनाना. तो सबसे पहले FBD of block A. Let me change the pen. FPD of block A. FPD of block A. तो यहां पर सबसे पहले हम थ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो पहला बॉडी डायग्राम बनेगा हमारा मास m1 के लिए. तो हम यहां लिखते हैं कि दिस इज मास m1, दिस इज अप्लाइड फोर्स f और यहां से इसके ऊपर एक स्मॉल f1 फोर्स लग रहा है और ये बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है. तो यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो हमारे पास बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट यानी कि कैपिटल F जीटा माइनस f1, यहां पर बच्चों f नहीं है, यहां पर f1 f2 है. तीन इक्वेशन बनेंगी तीन ब्लॉक के लिए. तो यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन मैं हूं जो कि इसे इजी बता दूंगा. सो बस वीडियो को एंड तक देखते रहें. और ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर वन. बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी बच्चों, जो कि यहां पर हमारे पास कितना आएगा देखते हैं क्या बनता है. दिस इज ब्लॉक बी और ये हमारे पास हो गया एम टू. इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक एम वन ब्लॉक लगा रहा है स्मॉल एफ वन और एक एम थ्री ब्लॉक लगा रहा है एफ टू और बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है. तो यहां से हमारे पास F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू कितना आया? F1 माइनस F2 आया हमारे पास F1 माइनस F2 आया M2 into A. This is equation number 2. आगे चलते हैं. आगे हम बनाते हैं ब्लॉक 3 यानी कि थ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक 3 और ये बनेगा हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक सी, राइट. और ये डायग्राम हमारे पास बनेगा इस पे इसका मास है एम थ्री, इस पे इकलौता फोर्स लग रहा है जो कि एफ टू लग रहा है, एफ टू लग रहा है और ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है. तो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं इसलिए ताकि हमारे पास चीजें आसान हो जाएं. जितनी चीजें आसान हो गई उसको सॉल्व करना उतना आसान. सो दिस इज M3A एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. राइट. अब क्या करें? हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? फोर्स निकाल रहे हैं. देखो तरीका क्या है तीन इक्वेशन सॉल्व करने का. सबसे पहले क्या करना है आपको, पहली इक्वेशन देखनी है. F1 की वैल्यू कहीं से मिल जाए वो इसके अंदर डाल दो, आंसर आ जाएगा. सो F1 की वैल्यू क्या होगी?
तीनों इक्वेशन में एफ1 किसमें है, इन दोनों में, तो किसके अंदर को पुट करेंगे, तो इन दोनों में से पुट करेंगे। इसमें एफ1 है यानी कि एफ1 की वैल्यू कितनी है, एम टू ए प्लस एफ2, तो बस यहां से इक्वेशन डाल देते हैं। सो सो फ्रॉम वन एंड टू यू कैन राइट, फ्रॉम वन एंड टू यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू द कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, इट इज एम टू ए प्लस एफ टू, सो राइट एम टू ए प्लस एफ टू एंड दिस इज स्मॉल एफ टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ, this is the value of f1. Now this is equals to m1a, this is equals to m1a, also this force is equals to m2a, and the value of contact force 2 from equation number 3, it is m3a, and this is equals to m1a. So from this we'll get, from कहां से मिला हमें ये मिला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, एंड वी आर गेटिंग दिस एम थ्री ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सो हियर कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू एम टू ए, और लेट मी रिमूव द ब्रैकेट, सो यहां पर हमारे पास एम टू ए प्लस एम थ्री ए और मोर ओवर माइनस एम थ्री आएगा, सो ये हो गया हमारे पास माइनस एम थ्री ए इक्वल टू एम वन ए। सो यहां से अगर मैं फोर्स की बात करूं तो ये हो जाएगा एम वन ए, इन दोनों को उठा के उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एम टू ए प्लस एम थ्री, बस मिल गया हमें एक्सेलरेशन, जस्ट एक एक्सेलरेशन कॉमन फ्रॉम हियर, एंड दिस द मास ऑफ एंटायर सिस्टम एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री into acceleration. So acceleration is total applied force, acceleration is total applied force over the total mass of the system, that is m1 plus m2 plus m3. So this is the acceleration for this case, for this system, this is the acceleration for this system, or just let me write here. F over M1 plus M2 plus M3 and this is equals to acceleration. और acceleration आनी भी ये चाहिए थी क्योंकि तीन body है, entire system का mass कितना हुआ M1 plus M2 plus M3, तो force is equal to total mass into acceleration. So it is capital F is equals to M1 plus M2 plus M3 into it. Here, यानी कि acceleration क्या हो जाएगी, force over total mass of the system. So acceleration आ गई है हमारे पास। अब हम इस एक्सेलरेशन को अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास एफ टू भी आ जाएगा, सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर 3। सो क्या है हमारे पास नेक्स्ट है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 3, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है सर एफ टू इक्वल टू एम थ्री ए, so यहां से F2 is equals to M3 and the value of acceleration is applied force over M1 plus M2 plus M3. So this is the contact force 2. Now contact force 3. Contact force 1, sorry. So how to find contact force? Contact force F1. So from here you can see this is F1. So just put the value of acceleration in equation number 1. So the equation number 1 is F, put the value of A in equation number 1. And equation number 1 bachcho hamare paas hai. F is equals to F minus F1 is equals to M1A.
M1 A. तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इज कैपिटल F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3. तो यहां से हमें क्या मिला कि जो सर कैपिटल F, और इस पूरे सिस्टम को अगर मैं इधर ले आता हूं तो ये बन जाएगा MF ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा F1 के. F1 को मैंने इधर ले लिया और इसको इधर ले आया. तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, हमें यहां से दिख रहा है कि हम इसका एलसीएम ले सकते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास FM1 प्लस FM1, दिस इज M1, राइट, M1A. सो ये M1A है हमारे पास. सो दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस M1F के. सो यहां से ये हमारे पास F1 आएगा. सो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहां से हमारे पास M1F कट जाएगा, तो बचा हमारे पास M2 प्लस M3F. M2 प्लस M3 एंड द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल फोर्स ऑन द टोटल अप्लाइड फोर्स ऑन द सिस्टम, दैट इज कैपिटल F, एंड दिस इज M1 प्लस M2 प्लस M3. सो दिस इज द अप्लाइड फोर्स F1, कॉन्टैक्ट फोर्स F1, सॉरी, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स F1 ऑन द सिस्टम. ओके, दैट्स इट. दिस इज केस नंबर 3. नाउ द लास्ट केस, केस नंबर 4. सो स्टार्ट विद दिस केस. सो यहां पे हमारे पास अप्लाइड फोर्स लगेगा इस पर अपोजिट डायरेक्शन में. ये वाला केस आप खुद करेंगे. देखो, ये हमारे पास है ब्लॉक M1, ये ब्लॉक M2, ये ब्लॉक M3. दिस इज द मास ऑफ ब्लॉक M1, दिस इज द मास ऑफ ब्लॉक B इज M2, एंड द मास ऑफ ब्लॉक C is M3. So this is acceleration from right hand to left hand. Now let us suppose the contact force between block M1 and M2 is F1, and the contact force between M2 and M3 is F2. So from here, are you able to see, or let me write it. Again, this is F2 and this is also F2. So, यहां से सबसे पहला काम हमारे पास है कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. तो यहाँ पे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए. ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास बनता है ओके, खुद ही बन गया. So this is block M1. इस पे इकलौता फोर्स लग रहा है F1, और ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है. तो यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, कि इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, सर F1 माइनस F1 इक्वल टू M1A. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इकलौता फोर्स F1 जो कि M1A के बराबर होगा, फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन. Now, free body diagram for case 2, that is free body diagram of block B. और ये हमारे पास बनेगा दिस इज M2, दिस इज M2. यहां से इसके ऊपर F1 फोर्स लग रहा है, कॉन्टेक्ट फोर्स इधर से F2 लग रहा है, और ब्लॉक राइट टू लेफ्ट जा रहा है मेरी हैंड की साइड से. सो ये हो जाएगा, यहां से इक्वेशन हमारे पास बनेगी कि ये कौन रहा है F2, क्योंकि F2 ज्यादा फोर्स लग रहा है, तभी तो F1 की तरफ, मतलब इस लेफ्ट तरफ जा रहे. सो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू M2A. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक नंबर 3, एंड दैट इज लुक लाइक वेरी स्मॉल.
स्क्वायर और वेरी स्मॉल ब्लॉक कंक्रीट जहां से अप्लाइड फोर्स F लग रहा है और M2 नाम का ब्लॉक इस पे F2 नाम का फोर्स लगा रहा है। सो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक C, ये हमारे पास ये बना और यहां पे हम शो कर सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो इस तरफ है। सो यहां से अगर हम देखना चाहें कि इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है सर जीत एफ रहा है, ये हार गया और ये एम थ्री एक इक्वल आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। सो यहां पर तीन इक्वेशन है, सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इसके अंदर एफ टू डालना है, क्या करना है मैं यहां पे लिख देता हूं, करेंगे आप ही। सो पुट इन फ्रॉम वन एंड टू, और लेट मी राइट फ्रॉम F2 की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से। सो फ्रॉम 2 एंड 3, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 यहां से आपको वैल्यू मिलेगी, जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको किसकी, F2 की, वो हो जाएगी M2A प्लस F1, और F1 की वैल्यू यहां से पुट करनी है पिछले वाली केस देख के, केस 3 देख के, ये वाला केस कर लेना। यहां पे हमारे पास फोर्स कितना आएगा, फोर्स जो क्या आना चाहिए कितना M1 M plus M2 plus M3 into A, यानी कि acceleration कितनी आएगी, applied force that is capital F over M1 plus M2 plus M3, that is the mass of the this entire system. So यहाँ से ये आएगी acceleration, उसके बाद F1 और F2 कैसे निकालना है, case 3 देख को, case 3 को देख के आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि shortcut क्या रहेगा, यहाँ पे शॉर्टकट क्या रहेगा, शॉर्टकट मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास दो ही ब्लॉक होंगे तो हम लगा सकते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स निकालने के लिए, लेकिन अप्लाइड फोर्स निकालने के लिए देखो टोटल फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना है यहाँ पे, तीन ब्लॉक है सर M1 प्लस M2 प्लस M3 और तीनों ब्लॉक एक ही एक्सीलरेशन A से चल रहे हैं बिकॉज दे आर कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, सो वी कैन राइट द एक्सीलरेशन एज the applied force on the system and the entire mass of the system, that is M1 plus M2 plus M3. So this is the acceleration of the system. This is the acceleration of the system. And you can say this is the shortcut to find the acceleration of this system. Okay. ये वाला खुद करेंगे केस, ये वाला खुद करेंगे केस, and that's all. For today's video, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।